हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं सांता क्रूज वेस्ट। ये मार्केट आपको पता हो गया, अगर नहीं पता है तो ये वेस्ट में सांता क्रूज स्टेशन के पास है, बहुत ही पास में ही। आप बाय वॉक भी जा सकते हो स्टेशन से। एंड यहाँ पे ना बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिलती है। ऐसा नहीं है कि रोड साइड है तो आपको चीप चीज़ें मिलेगी, इट इज़ गुड क्वालिटी एट अ चीपर प्राइस, और बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल जाती है। अगर आप मतलब सस्ते में लेना चाहते हो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करो, बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाती है चीज़ें। सबसे पहले तो मैं एटीएम आई हूँ, मुझे पैसे निकालने थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी रश हो जाती है, एक जन खड़ा है पर सडनली बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। एनीवेज, उसके बाद मैं भूल गई थी कि मेरा कैमरा ऑन रह गया था और मैं पैसे निकालने के लिए रुकी थी यहाँ पर। और फिर बाद में मैं पैसे निकाल रही थी, बाद में मुझे पता चला कि मेरा कैमरा ही ऑन रह गया। बट एनी वेज, जब मैं वहाँ से बाहर निकली यहाँ पे मम्मी तक आए, यहाँ पे देखा कि मम्मी ने शॉपिंग स्टार्ट कर दिए थे ऑलमोस्ट। एंड उन्होंने कुछ टी शर्ट्स देख लिए थे। ये टी शर्ट्स ना ठंडी में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जब मतलब आप इसकी क्वालिटी देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे रोड साइड भी अगर आपको कुछ चीज़ें लेनी हो तो आप उस पर क्वालिटीज़ देखोगे। अब ये तो एक उनकी शॉप है अच्छी खासी, बट रोड साइड पे आप चीज़ें देखोगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे आपको। और वो टी शर्ट्स कुछ हम लोगों को 200 में मिली, जैसे क्योंकि 250 का ही सेट। एंड देन लेटर ऑन जब हम लोग ने बार्गेन किए थोड़ा बहुत, तो कुछ अराउंड 200 में मिल गई थी। फिर यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ पे भी एक टी शर्ट हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये सारी टी शर्ट्स ना विंटर में बहुत अच्छी होती है। अब इतना ठंडी चल रही है तो ये सारे टी शर्ट्स तो काम ही आ जाते। और कुछ टी शर्ट्स तो मतलब कैप के साथ थे तो वो और अच्छे थे। उसके बाद जिदान को थोड़ा बहुत फीडिंग किया, उसके बाद हम लोग वापस से शॉपिंग के लिए निकले। और ये पैंट्स जो थे ये अराउंड 100 रुपीज़ में मिले थे, यू वोंट बिलीव 100 रुपीज़। और इतनी अच्छी क्वालिटी थी, ये भी बहुत ही अच्छे थे। अगर घर में पहनाना हो तो पहना सकते हैं। और सिंस अभी 26 जन आने वाला है तो ये सारे कपड़े इधर अभी से ही नज़र आने लगे हैं, क्योंकि बच्चों को अक्सर ये सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। उसके बाद एकदम एंड में ना सांता क्रूज में एकदम एंड में मतलब ये सारे शॉप्स है। सबसे पहले तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स थे स्टार्टिंग में, ऐसे बाहर बाहर थे, अंदर ऐसे वो ज़्यादा नहीं था। अब तो वहाँ पे बड़े बड़े शॉप्स बन गए हैं बहुत अच्छे से, बट उन्होंने अब प्राइस एक्सटेंड कर दिए, उनके प्राइजेस बढ़ गए हैं अभी। सो पहले यहाँ पे बहुत ही सस्ते मिल जाते थे, 60 रुपीज़ में पैंट मिल जाती थी, 50 रुपीज़ में भी मिल जाते थे पैंट्स, जो कि बहुत अच्छे क्वालिटी में भी रहते थे, जो घर में आप पहना सकते हो। उसके बाद जब मैं अंदर आई ना, ये कुछ 300 का मिला मुझे ये टॉप। ये मैंने मेरी आइज़ा के लिए सोची थी, देन उसके बाद मैंने इसको कैंसिल कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये मैं खुद मतलब मेरे घर में स्टिच हो सकता है ये, और मेरे पास वैसा कपड़ा है भी। सो ऐसे कुछ आप ये जो मैं देख रही हूँ वो वैसा कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे तो जो मिलता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलता है। मैं यहाँ के कपड़े लेती हूँ यूजुअली, और जो भी मिलता है वो बहुत अच्छा लेता है। सबसे पहले तो यहाँ पे बड़ों के भी कपड़े मिल जाते हैं, जैसे आपका बहुत ज़्यादा अगर साइज़ हो तो वो भी मिल जाता है इधर, 4XL 5XL वो सब भी मिल जाता है उधर। उसके बाद मैं शर्ट्स लेने आई थी जिदान के लिए, यहाँ पे मैंने देखी ये 250 के थे पहले। अब जब से ठंडी स्टार्ट हुई है ना, उन लोगों ने उसका प्राइस 300 कर दिया। यहाँ पे जो मैंने पहले बताई थी वहाँ पे 200 में मिल जा रहा था, और ये वाले जो है ये रेड येलो ये सब 250 का था। जो शर्ट था जो चेक्स वाला वो मुझे 300 तक के पड़ा था। उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे एक बाहर एक स्टॉल था वहाँ पे, उस शॉप में मुझे ये 250 के अराउंड 100 के अराउंड चीज़ें मिल गई थी। जैसे पैंट्स जो थे वो 100 रुपीज़ में मिल गए थे, और ये फुल नेक वाले टी शर्ट्स जो थे वो मुझे कुछ 150 या 200 के ऐसे कुछ पड़े थे, और मतलब अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से। उसके बाद मैं अंदर साइड आई, मुझे 90s लेने थे, वो सब मैंने ले लिए, और ये अच्छी क्वालिटी के थे। और यहाँ पे फिक्स रेट होता है, जैसे अगर आप 400 का कुछ ले रहे हो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा आपको एकदम चीप प्राइस में, अच्छी चीज़ें। मतलब मैं बोलूँ कि अगर मुझे ऐसा है कि 400 की अगर मैं 90 ले रही हूँ वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और ऊपर से ऐसा है ना कि कॉटन है तो बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा लगता है, वो कपड़ा भी बहुत अच्छा लगता है, सिंपल एंड सोबर लगता है। ये जो शॉप में हम लोग आए हैं नेक्स्ट, वो ना भगवान कट पीस, अगर आप भगवान कलेक्शन जानते हो वो वहाँ से एकदम ही अपोजिट में है ये शॉप, और यहाँ से हम लोग हमेशा शॉपिंग करते हैं। ये शॉप बहुत ही मतलब बेहतरीन प्राइस लगाते हैं इन लोग, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपको बार्गेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इतना बोल दोगे ना कि आप अपने हिसाब से थोड़ा कुछ कम कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही सोच लेंगे कि भाई ये खुद मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं इन पे
थोड़ा बहुत रीज़नेबल कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के कॉटन कपड़े देखे थे। ये जो सिंपल एंड सोबर लुक है ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं इसमें एक मैंने मैं बहुत पहले भी ऐसे कुछ करती थी कि मैं क्या करती थी, कुछ कपड़े ले लेती थी, उसको स्टिच कराती थी, रेडीमेड सूट्स लेती हूँ, बट मुझे ये ज़्यादा प्रेफरेबल लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपने हिसाब से उसको स्टिच कर सकते हो कोई भी पैटर्न लगा के। तो हमने सबसे पहले ये सारे कुछ जो है ना, ये राइट साइड में जो रखे हुए वो सब सिलेक्ट किए थे, देन हमने ये ब्लैक एंड वाइट भी सिलेक्ट किया था। उसके बाद में उसको हम लोगों ने कैंसिल किए थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ब्लैक एंड वाइट मैंने एक ऑलरेडी इससे पहले ली थी, जो कि मतलब जहाँ पे मैं नाइटी लेने गई थी वहाँ पे मैंने एक ब्लैक एंड वाइट सूट भी ली थी उसके पास में से, तो वो मुझे 300 में पड़ गया था, वो बहुत ही सस्ता मिला था। और ये वाले जो थे वो अराउंड 500, 550, 400 ऐसे मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिले थे, बहुत ही सस्ते सस्ते मिले थे। इनकी शॉप में ऐसा नहीं है कि आपको सस्ते कपड़े मिलेंगे, इसका कॉटन का क्वालिटी बहुत ही अलग है और बहुत अच्छा है। और ये सारे कपड़े मैंने उनको ओपन नहीं करने बोली क्योंकि मैं इतने सारे लेने नहीं वाली हूँ, जो मैंने मतलब ऐसा डिसाइड किया था मुझे फाइनल लेना ही है, मैंने वही उनको ओपन करने बोला क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कपड़े हो गए थे। और फिर जो राइट साइड में मैं जो रखते गई, ये मुझे फाइनली लेना ही था, पहले ये भी ले रही थी बट फिक्स्ड नहीं था, लेकिन मैं ये मतलब श्योर नहीं थी इसीलिए मैंने ओपन की, और ओपन करने के लिए नहीं बोली क्योंकि मुझे ऐसा श्योर नहीं था कि मुझे ये लेना है, बट जो जो श्योर था मैंने उनको वो ओपन करके देखने को बोले। और ये येलो वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी सब क्वालिटी से अलग ही थी। ये एक ड्रेस मुझे 600 का पड़ा, बाकी सारे 500 के थे। ये असल में अगर मतलब ऐसे आप मतलब लेने जाओगे ना तो आपको कुछ अराउंड 800 या 900 का पड़ेगा, लेकिन सिंस हम लोग ने इतने सारे कपड़े लिए थे और हम लोग ऑलरेडी उनके पास बहुत टाइम से जा रहे हैं ना, तो उन्होंने मुझे 600 में दिए थे। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इसकी क्वालिटी अच्छी लगी और इसमें का और उनके पास नहीं था। और ये बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा कपड़ा था। इसके दुपट्टे में ना थोड़े से फ्रिल्स भी थे और मुझे ऐसा एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन था और बहुत बड़ा दुपट्टा था, बहुत अच्छा था। इसका क्वालिटी एकदम नरम नरम कपड़ा था, बहुत अच्छा कॉटन था ये और बहुत अच्छा लग रहा था। और ये दुपट्टा ना, और सिंस ऐसे भी अभी रमज़ान भी आ रहा है ना, अगर आपको नमाज़ वगैरह पढ़ना हो तो ये दुपट्टा तो आप यूज़ कर सकते हो नमाज़ के लिए भी, बहुत बड़ा दुपट्टा है, अच्छा दुपट्टा है। उसके बाद में हम लोग ये सारे कपड़े सिलेक्ट किए थे, मेरे कुछ इतने सारे हो गए थे सिलेक्ट करके। उसके बाद मैंने सोचा ये ब्लैक वाला कैंसिल करके ना, वो जो मेहंदी कलर ना वो कलर लेने वाले थे, और ये वाला भी कैंसिल करके हम लोग एक दूसरा लेने वाले थे, देन हमने ये कैंसिल ही किया क्योंकि ऑलरेडी वो जो ब्लैक एंड वाइट है ना, ब्लैक एंड रेड है, वो मुझे लाइनिंग वाला ऑलरेडी स्ट्रिप्ड ड्रेस वो दिख ही रहा था। तो मैंने सोचा कि एक और एक लाइन वाला नहीं लेती हूँ, दूसरा कोई डिज़ाइन लेती हूँ। देन हमने फिर थोड़ा ऐसा सोचा कि कैंसिल कर दे वो वाला, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे हो गए थे और मैंने दूसरे शॉप से भी कुछ शॉपिंग कर ली थी ऑलरेडी। सो फिर फाइनली हम लोगों ने ये ड्रेस सिलेक्ट किए थे। कॉटन कपड़े ना बहुत ही अच्छे होते हैं, अगर आप उसको कहीं बाहर भी जाके पहनो ना, लुक ही अलग देता है, बिकॉज इट लुक्स वेरी सिंपल, वेरी सोबर, एंड वो फीलिंग भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा लगता है कि एकदम लाइट वेट फील होता है और कुछ हैवी नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद में हम लोगों ने ये सारे ड्रेसेस सिलेक्ट कर लिए थे और देन प्राइसिंग हो रही थी। उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकले क्योंकि जिदान को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने सिर्फ अमूल कूल लिया था, उसको अमूल कूल बहुत ज़्यादा पसंद है, घर से बिस्किट्स लिए थे तो मैं बिस्किट ले रहा था, वो बिस्किट उसने फिनिश कर दी थी। उसके बाद हम लोग बस घर के लिए निकले थे, ये सारी शॉपिंग करके घर के लिए निकले, बहुत ज़्यादा टायरिंग फील हो रहा था। और सिंस न्यू ईयर है ना, ये लाइटिंग्स ना शाम में जो अच्छा लगता है ना यहाँ पे, ये सारा न्यू ईयर के टाइम पे हमेशा ऐसा होता है यहाँ पे। ये वो जिम खाने के साइड है, वेलिंगटन जिम खाना, अगर आप ईस्ट साइड में आए हो, वेस्ट साइड में आए हो तो आपको पता होगा, नहीं आए हो तो आप ज़रूर देखो, ये मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत चीप प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। और ये है खार सबवे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक एरिया है यहाँ पे, इसीलिए कोई ऑटो यहाँ पे आने रेडी नहीं होता है। ऊपर से बारिश में इतना ज़्यादा इधर फ्लड्स हो जाता है, इतना ज़्यादा ज़्यादा वाटर ब्लॉकेज एंड एवरीथिंग, मैं बोलूँ कि यहाँ पे तो आने ही डर लगता है, क्योंकि ये ब्रिज इतना पुराना है ना, ये सबवे बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत डर लगता है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो भीड़ होती है, सो आई जस्ट होप कि ये अच्छा रहे होपफुली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ट्रैवल करते हैं। उसके बाद बस हम लोग घर ही पहुँच रहे थे, जिदान ऑलमोस्ट नींद में था, उसको सच में सोना था, लेकिन खैर मैंने उसको जगा के रखी थी। ये है भीड़ भाड़ वाला इलाका, ये आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो ये सैंटा क्रूज़ ईस्ट है। और हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं बहुत ज़्यादा टायरिंग में,
सच में। नाउ वी आर जस्ट गोइंग होम, देखते हैं घर पे क्या है। घर आए तो हमारे लिए कुछ ये स्पेशल चीज़ें बन रही थी। ये है पिज्ज़ा जो कि घर में बन रहा था। मुझे पहले ऐसा लगा कि मतलब मैं रेसिपी शेयर करूं, बट मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना, तो मुझे रेसिपी शेयर करने का मतलब बिल्कुल भी मतलब मुझ पर हिम्मत ही नहीं हुई। और तो एक प्लेटर बना था जिसमें था पिज़्ज़ा, उसके बाद ये थी सैंडविच, ये ग्रिल सैंडविच जैसी, थोड़ा बहुत जैसे विदाउट मतलब ओवन माइक्रोवेव वगैरह कुछ यूज़ नहीं किया हम लोगों ने। हम लोगों ने इसको तवा फ्राई किए सारी चीज़ें, उसके साथ था पिज़्ज़ा और इसके साथ एक मतलब अपने ही रोटी में, जैसे आप गेहूं की रोटी बनाते हो ना, गेहूं की रोटी में थोड़ा सा जो चिकन का मसाला होता है, वो चिकन का मसाला ऐड करके, जैसे आप थोड़ा बहुत मेयोनीज डाल दो और चीज़ डाल दो और भी कुछ मसाला, जब मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड की थी बहुत अच्छा लग रहा था, अनियन वगैरह ऐड कर दो। सो ये था मेरा आज का दिन। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखे, खूब सारा प्यार बांटिए, और आपको इस व्लॉग से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़ एंड गिविंग सो मच ऑफ लव एंड सपोर्ट।